बड़ी खबर आ रही है करनाल से। 4 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से हथियार भी मिले हैं। हरियाणा से ये बड़ी अपडेट है, करनाल से बहुत बड़ी खबर है। पुलिस ने यहाँ से 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है और पकड़े गए आतंकियों से हथियार बरामद हुए हैं। साथ में बारूद के कंटेनर मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि कंटेनर में RDX हो सकता है। ये बड़ी खबर है। RDX की बरामदगी अपने आप में इस मामले को और बड़ा कर देती है और जांच का दायरा अपने आप बढ़ जाता है। ये हरियाणा के करनाल से खबर आई है जहां पर 4 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है। किस संगठन के हैं ये, अभी ये जांच का विषय है। ये जानकारी जैसे ही आएगी आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर इनका मूवमेंट क्या था, क्या बहुत पहले से इनके गतिविधियों पर नजर थी, सबसे बड़ी बात पुलिस की, और फिर इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी प्लानिंग क्या थी, क्या इस बारे में पता लग पाया है। तो इनके पास से हथियारों का जखीरा मिला है, इसी के साथ एक कंटेनर मिला है जिसमें RDX हो सकता है। ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में RDX इस कंटेनर में था तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों होना था, किस लिए इनके पास ये RDX पहुंचा। ये कई ऐसे सवाल हैं जो जिनका जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन जल्दबाजी होगी क्योंकि बड़ी सफलता भी है ये। 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी जिनके पास से बड़ी संख्या में हथियार मिलते हैं, एक कंटेनर मिलता है, इनकी गिरफ्तारी बहुत बड़ी सफलता और उपलब्धि के तौर पर भी आप देखिए पुलिस की। लेकिन अभी जांच का विषय यह है कि आखिर इनका मकसद क्या था, किस आतंकी संगठन से ये जुड़े हुए हैं और इनका मूवमेंट यहां पर क्यों हुआ। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।